गुड मॉर्निंग जी, क्या है ये सब है? इतने इंतजाम क्यों हो रहे हैं? सरगी चल रही है, सरगी। इसको कहाँ रखना है? मंदिर में भोग लगा के तुरंत ले आऊंगी थोड़ी देर के बाद। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है ना? आज 24th of October, आज है करवा चौथ का दिन और ये मेरा और शिल्पी का पहला करवा चौथ। तो शिल्पी, हाउ आर यू फीलिंग? ऑगी देखो, ऑगी को देखो। अभी हट जाओ ना। हाँ तो शिल्पी बताओ, हाउ आर यू फीलिंग? अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है, अभी कुछ नहीं है, अभी स्टार्टिंग है। शुरुआत है इसीलिए। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5, अंधेरा है तो अपन सुबह सुबह सरगी खा रहे हैं। तो प्लान तो ये है कि मैं भी इसके साथ फास्ट रख रहा हूँ, बाकी देखते हैं कि क्या है, कब तक कंटिन्यू कर पाता हूँ। वैसे तो पूरी कोशिश है कि जब रख रहा हूँ तो इसे पूरा कंटिन्यू करूँ। तो अभी फिलहाल हम लोग सरगी खा रहे हैं, जितना खा सकते हैं खा के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो पहले इसको खा लेते हैं, फिर रेटिंग टेबल पे जाते हैं। ब्लैक कॉफी नहीं पिया क्योंकि नींद खुल गई थी प्रॉपरली और खाना वाना खाना था, तो आज ब्लैक कॉफी कैंसिल। तो भाई खाना पीना खा के आ गए वापस से अपनी एडिटिंग टेबल पे। शिल्पी भी आ चुकी है, हम दोनों ने मस्त पेल के खाना खा लिया, एकदम यहाँ तक खाना भर लिया है। तो बस लैपटॉप ऑन कर चुके हैं, जल्दी से एडिटिंग का काम शुरू करके खत्म भी करते हैं। हाँ, पानी की बोतल यहाँ रखी तो रहती थी यहीं पे कहीं पे, बट आज वो क्या बोले, आज फास्ट है ना, मेरा भी करवा चौथ का व्रत है मेरा भी। हटाई किसने? तुमने हटाई है और किसने? मुझे यकीन नहीं है तुम। अरे मतलब कि थोड़ा तो लिबर्टी मिलनी चाहिए ना बाबा। अब चलो तुम पेट भर के खा लियो, सो जाओ तुम भी, मैं भी बस काम खत्म करके आता हूँ और मैं भी सोऊंगा बस। 6.5 hours later। तो गाइस एक्चुअली हुआ क्या, जब खाना खाया था ना सुबह, उसके बाद वापस आए, ये हुआ कि एडिटिंग करते हैं थोड़ी बहुत, एडिटिंग चालू भी करी, लेकिन उसके बाद इतनी तेज नींद आ रही थी कि बस काम धाम सब बंद किया, ये हुआ चलो थोड़ी देर सो लेते हैं फिर उठ के करेंगे एडिटिंग, छुट्टी का ही दिन है कहीं कुछ काम तो है नहीं। लेकिन ऐसा सोए कि 8 बजे के बाद नींद खुली, जब नींद खुली तो काम करने बैठे। अभी फिलहाल बज रहे हैं 10:30, एडिटिंग हो गई है कंप्लीट, रेंडर भी हो चुका है, अब मैं सीधे इसको करूंगा अपलोड। तो जैसे वीडियो अपलोड हो जाएगी लाइव हो जाएगी वीडियो। तो ये रहा एडिटिंग का पूरा कार्यक्रम। तो अब हम लोग बना रहे हैं गुलगुले, गैस थोड़ी ज्यादा तेज हो गई है तो मैं शिल्पी की मदद कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही डाल रहे हैं ना विदिन 30 सेकेंड पलटने पड़ रहे हैं वरना जल रहे हैं। तो शूट करते हैं आराम से। हो गई है, मगर ऑगी हमारे पैरों पे लपट रहा था तो हम उसके साथ थोड़ा सा गेम खेल रहे थे उसके इस डस्ट स्पून से। इसको देखो हिलाओ ना तो ये आता है। ऑगी आओ। नो ऑगी। तो गाइस सारी पूजा की प्रिपरेशंस हो चुकी है और अब हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। देखो शिल्पी कितनी अच्छी लग रही है। अरे वाह क्या बात है। तो गाइस हम लोगों ने एक पूजा तो कर ली जो हमने अपने मंदिर में करनी थी, कथा पढ़ने वाली, अब बस चांद का वेट करेंगे कि कब चांद आएंगे और कब व्रत खोलेंगे। हाँ जी मैं भी करूंगा, अभी तक ये बताया नहीं था इन लोगों को लेकिन अब बता दे रहे हैं, मैंने भी मैडम के साथ व्रत रखा है। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, सुबह सुबह तो बहुत डिफिकल्ट था, जब सो के उठा था ना तब तो थोड़ी देर के बाद पेट दर्द शुरू और अजीब सा लगना शुरू कि भाई कुछ पीना है, पानी पीना है, ये है वो है। शिल्पी तो बोल रही थी भाई तुम पी लो पानी, तुमसे नहीं हो पाएगा, क्या मतलब है दिक्कत, लेकिन मैंने कहा चल ठीक है, फिर काम में लग गया, एडिटिंग में लग गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, और उसके बाद से तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई ऐसा। ऑलमोस्ट 5:30 बज रहे हैं तो ज्यादा वेट करना नहीं है, आई गेस 3 घंटे के अंदर 3-3.5 घंटे में चांद आ जाएगा बाहर, फिर हम लोग पार्टी करेंगे, पारी 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 पारी। सही था वैसे आज का पूरा दिन, मजा आया।
छुट्टी के दिन था ना तो और भी अच्छा था, संडे था ना आज तो हमें और भी अच्छा लगा। A few moments later. तो गाइस अभी ऑगी को ले आए ऊपर टेरेस पे टहलाने को, मौसम अच्छा हो रहा था, शिल्पी को एक दो काम करने थे, रात का खाना वाना बनाना था, तो मैंने सोचा चलो ऑगी को ऊपर ले आते हैं, छुट्टी भी है टहला भी देते हैं। तो भाई साहब तो लग गए मस्त इधर उधर घूमने टहलने में, खोजने में कुछ खोजते रहते हैं भाई साहब, जब भी ऊपर आते कुछ खोजैया करते हैं। बादल बादल मस्त हो रहे हैं, स्काई लाइन अच्छी हो रही है, और हर बार की तरह जैसे कि आपको यहाँ दिखाता हूँ मैं ये एरिया दिखाता हूँ, एक अलग सी सुकून और शांति की फीलिंग आती है जब मैं इस एरिया को देखता हूँ, तो बड़ा काम और कंपोज्ड फील होता है। आज सबके डैड फूड की लग जाएगी क्योंकि आज बन रही है घर में पूड़ियाँ। कोई बात नहीं यार, वंस इन अ वाइल चल जाता है फेस्टिवल वगैरह में, डैड फूड को साइड में रख दो कभी कभी, है ना। हवा बहुत अच्छी चल रही है, मजा आ रहा है। ऑगी के साथ थोड़ा खेलेंगे, उसके बाद सोच रहा हूँ मैं कि यहाँ का मस्त व्यू टाइम लैप्स लगाता हूँ, अच्छा आएगा। उधर ज्यादा अच्छा आएगा कि इधर ज्यादा अच्छा आएगा? नहीं, आई थिंक इधर ज्यादा अच्छा आएगा। ऑगी खेलेगा मेरे साथ? तो शिल्पी रेडी होकर के आ चुकी है, लैपटॉप में कुछ कुछ काम कर रही है। विमेन एंटरप्रेन्योर, साड़ी पहन के चूड़ा पहन के गेमिंग लैपटॉप में काम हो रहा है। गुड जॉब शिल्पी, गुड जॉब। अब बस वेट कर रहे हैं चांद निकलने का। नीचे कॉलोनी के पार्क में कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, उसी बेंच पे बैठी हुई हैं वो महिलाएं जिस बेंच पे रोज बैठ के वो कप्पेबाजी करती थी। आज बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के एकदम पूरा ड्रेसअप व्रेसअप हो के गेटअप में आई है, बैठी हुई है लाइन से इंतजार कर रही चांद निकलने का। तो मैं तो उन्हीं को देख के वापस आ गया कि भाई जब इनको चांद नहीं दिखा मतलब अभी तक नहीं आई, बैठी हुई है सामने। A few inches later. तो गाइस चांद आ चुका है, शिल्पी पूजा की थाली रेडी कर लिया था जो उसको लेकर के आ रही है। अपन लोग अपनी बालकनी से ही चांद दिख रहा है तो यहीं पे खड़े होंगे, कहीं टेरेस वेरेस पे नहीं जाएंगे ना नीचे जाएंगे। गला सूख रहा है बहुत ज्यादा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गला तो तुम्हारा भी सूख रहा है। हाँ सबको प्यास लगी है, चलो आ जाओ। मैं पकड़ू कुछ पानी वानी का गिलास लेके? हाँ दिया जला लो आराम से। तो भैया चांद नजर आ चुका है, पूजा हो चुकी है, आशीर्वाद दिया जा चुका है, हमारा पहला करवा चौथ बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। नहीं 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 अभी लेकिन संपन्न कहाँ हुआ, करवा चौथ रात के डिनर के बिना तो अधूरा है। तो मैडम ने बनाया है मस्त आलू की कचौड़ियाँ और सादी पूड़ियाँ सब्जी के साथ खाएंगे। मेरा तो सोच के मुंह में पानी आ गया कि भाई अब बस इंतजार नहीं हो रहा। तो अब ऐसा करते हैं इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखा हो तो प्लीज लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो का कौन सा पार्ट आप लोग को सबसे अच्छा लगा। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा वीडियो बनाएं जिसको आप लोग पसंद करें, लेकिन फिर भी अगर कुछ कसर रह जाती हो तो प्लीज़ बताएं ज़रूर, उस पर इम्प्रोवाइजेशन होगा क्योंकि आगे बढ़ना है, बहुत दूर तक अभी जाना है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। मैं डेली वीडियोज़ डालने लगा हूँ और सच बताऊँ तो इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत मोटिवेशन। तो बस इतना ही बोल करके वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो। बाय।